अंतिम राशि मीन राशि है, आज आपको यात्रा से लाभ मिलेगा। संतान सुख का योग बन रहा है, नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है और स्थानांतरण का भी योग बन रहा है, तो स्थानांतरण के साथ पदोन्नति का योग बन रहा है। तो जो मीन राशि के जातक हैं, आपका चंद्रमा लग्न से 12 में बैठा हुआ है, तो जब लग्न से 12 में होता है तो आज आपकी देश विदेश की यात्रा हो सकती है, आज आपका जो रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा और आज आपके जो शत्रु हैं आज आपको तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने बुद्धि से, अपने कौशल से, अपने योजनाबद्ध तरीके से आज सब पर आप प्रभावी रहेंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। केतु मंगल एकादश भाव में, तो आज आपके आय के स्रोत बहुत अच्छे होंगे, रियल इस्टेट से, माइन से, कंस्ट्रक्शन से आज आपको लाभ मिलेगा। और यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो उसमें आज आपको बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। सूर्य और बुध आपका सातवें बैठा हुआ है, तो पत्नी को आज नई नौकरी मिल सकती है, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता पिता से अच्छे लाभ मिलेंगे और जो आपका पारिवारिक दायित्व है उसको निभाने में आप सफल रहेंगे। और अध्यात्म के क्षेत्र में आज आपकी रुचि बढ़ेगी और उधर अच्छा कार्य करेंगे, और मंदिर का या शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कार्य करते हैं तो आज आपको उसमें लाभ मिलने की संभावना बन रही है। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि आप अगर प्लानिंग करके और योजनाबद्ध तरीके से अगर कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि पीला वस्त्र किसी सुहागन को दान करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और आज चूंकि शनिवार है तो शनिवार के दिन शमी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित करें, बहुत अच्छा रहेगा। और मंत्र भी पढ़ें, ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित अगर एक माला जप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला है, लक मीटर 7 है। हरे कृष्ण।